अच्छा वही वाला फलूदा तो कह रहा ना विटामिन सही था हां मेरे दिमाग में चल रही ना बात क्योंकि भूख तो इतने लगी कि पाचन ही नहीं लगी गुरु जी कहेंगे नीरा भी सीख गई हो अगर वो होता ना पफ वो वाला लगाने वाला उससे सही लगा होता है अच्छा इतनी अच्छी बॉडी है जैसे मैंने तुझे बताया थोड़ा अच्छा था तब तो कुछ नहीं होता जब खराब होते तभी कुछ होता है है ना प्रैक्टिस हो के दिला होता है उसी टाइम ही हो जाता है कि नहीं बताओ मरपिट का सो ही वही था उसे अच्छा बेहतर बना के तब खराब था तब हो ऐसी ना ऐसा क्यों होता है वैसे एटीट्यूड क्यों होता है हम किसी की बुराई नहीं बोलेंगे और किसी को मारेंगे नहीं बहुत लोगों को मोटिवेशन खराब होता है बिल्कुल नहीं खान बॉडी बिल्डर सोचता है जो शांत स्वभाव और अपने आप सबको जितना भी खराब होता है बॉडी बिल्डर को सोचते हैं लोग भड़कीला भड़कीला बट वही शांत होते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं भड़कते क्योंकि उनको लाइक सामान ले लेके माइंड ऐसे ऑफ मैं आपको तो पता है जितना भी हो मैंने कभी आज तक किसी को खराब नहीं बोले बोलूंगा मेहनत लग जाते ना मेहनत करो और आगे ऐसा थोड़ी ना पैदा हुआ मैंने टाइम के हिसाब से आ जाएगा बस पांच लेटे बुरी लगती है
जो चीज जो डिजर्व करता है नहीं, एक थोड़ा बहुत तो चलता है कि चलो आटे में नमक, पर वो जो बहुत ज्यादा होती है ना कि बिल्कुल किसी का कुछ नहीं और जिसका है उसको तुम क्या ही दे रहे हो कुछ पता नहीं, वो चीज अच्छी नहीं लगती। जो इंसान जो डिजर्व करता है उसको मतलब ना तो टी-शर्ट मिलना चाहिए, सभी सब जगह होता है। राजनीति तो वही है, राजनीति में भी देखो कितना मतलब है सब जगह। राहुल भी आया क्या? राहुल जी कौन सा? अच्छा तुम शादी वादी कब करोगे? हमने इन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है। अरे बॉडी बिल्डर ही ढूंढना ना अपने लिए, क्योंकि साथ के होते ना। देखो शादी तब करनी चाहिए जब हमारा माइंडसेट तैयार हो उस चीज के लिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। जबरदस्ती बनने से कुछ फायदा नहीं। साथ साथ कंपटीशन खेलना। अरे बहुत सारे कपल्स मैंने देख लिए, जैसे मैम है और भी मैंने काफी सारे बहुत लोग देखे हैं अभी। भाई किसी ने अपने अपना इतना संघर्ष दिया, इतना टाइम दिया अपनी बॉडी को, समझ सके जो निशान है बिल्कुल लोग बाग तो कौन सी इतनी उम्र निकली जा रही है शादी की? 8-10 साल लग जाए। शादी करते हुए कितने साल हो गए? मेरी 4 years हो जाएंगे कम्प्लीट। बेबी है? किसके पास हो गए? मम्मी के पास ही है इनकी मम्मी। कितने बच्चे? किसने छाड़े? कितने भाई? 4। इसने तो पूरा सेक्रीफाइस किया हुआ है, इसने क्लास 6 का पढ़ लिया, 7 में ना वो मामा खराब हो गई, मेरा भी खराब हो गया तो मैं बोर्डिंग में चली जाती। अभी आया है 12th देके ये सुबह से बेचारी इतनी थकी हुई है, खड़े खड़े जा रहे होंगे ना, काम बहुत ज्यादा होता है तो खाने में चाहिए। सोई भी नहीं होंगे ये तो, अब तो दिल्ली का ही हो ना? आप भी कर लो नहीं तो फिर हमें लेट हो जाएगा।